वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट सम ऑफ रुपीज 56,000 इन टू इयर्स। दो वर्ष में 56,000 की राशि पर ब्याज के रूप में 280 किस दर से मिलता है। यहाँ पर देखिए, हमको दर दिया, दर पूछा है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 56,000। इंटरेस्ट कितना है 280, ठीक है, रुपीज 280, ये इसके ऊपर ब्याज है। कितने पीरियड का है, 2 इयर्स का। हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, किस दर से, एट व्हाट रेट हमको ब्याज दर ज्ञात करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए हमको ब्याज निकालना आता है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को गुणा करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से करते हैं, और 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंटेज में, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन 100 करते हैं। तो उसको ये करने से जो हमारे पास में अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, ब्याज आएगा। और इसको अगर हम एक साल से ज्यादा पीरियड है, इसे 2 साल है, तो 2 से और गुणा करेंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा, ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी इस मामले में क्या है कि ये 280 आ जाएगा यहां पर, यानी प्रिंसिपल को उस ब्याज दर से गुणा किया और 2 साल के लिए किया तो 280 आ गया। उसको सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, प्रिंसिपल का हमें पता है कितना है, पी की जगह हमने लिख दिया 56,000, ठीक है, और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया आपने, आप एक्स मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 100 इनटू 2 इज इक्वल टू 280, या हम इसको इस 100 को इधर ले जाते हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका, ये 56,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 56,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 1,12,000, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया 56,000 को 1,12,000, और गुणा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 280, और ये अभी इसको ले आए इधर अपन 100 को, ये 100 को आपको इस ले आए, यहां से हटा दिया, यानी ये जो समीकरण है, ये समीकरण अब ऐसा बन गया, 1,12,000 56,000 इंटू 2 उसको गुणा कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और 28,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इज इक्वल टू, अब हम करेंगे कि ये देखिए 280 और यहां, तो ये आ जाएगा आपका 28,000 / तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 28,000 अपॉन 1,12,000, राइट, इसको हमने ऊपर लिया, इसको नीचे ले आई, तो हमारा जो है कितना आएगा, ये 30 से 30 कट गया, ठीक है। अब और क्या कटेगा, देखिए इसको हम और काटेंगे, तो 4 से काट दीजिए तो ये कितना आएगा, 7, और ये कितना आएगा, 4 से काटेंगे तो 2 and 8 28, तो 7/28। अब और क्या काटेंगे, 7 का टेबल बोलेंगे, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, यानी ये 4 से भी कट जाएगा, तो 1/4, तो 1/4% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो ब्याज दर है जिसके ऊपर
ब्याज दिया गया है जो मिला है। एक बटा चार को हम अगर दशमलव में लिखना चाहें, अगर एक बटा चार को दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, दशमलव में करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपॉन 4 यानी 25। अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए कितने कितने जीरो हैं, 2 है तो 2 के पीछे यहां लग जाएगी ये, तो यानी 0.25%। ठीक है, या इसको हम 0.25% भी बोल सकते हैं। ये ब्याज की दर है, 0.25% इंटरेस्ट रेट से 2 साल के अंदर 56,000 रुपये के ऊपर 280 रुपये ब्याज मिलेंगे। वी विल गेट इंटरेस्ट ऑफ ₹280 एट द रेट ऑफ 0.25% ऑन ₹56,000 आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, फिर भी आपको अगर समझना है इस प्रश्न को एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, ए लिख सकते हैं हिंदी में। फॉर्मूले के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टर्म अपॉन 100। वो इसमें सबकी वैल्यू लग दी हमने, इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, और टर्म 2 ईयर है अपॉन 100। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये 280 को 100 से मल्टीप्लाई करके 28,000 आ गया, इज इक्वल टू 56,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,12,000 और आर आ गया, तो 1,12,000 आर इज इक्वल टू 28,000, तो आर की वैल्यू को होगी 28,000 अपॉन 1,12,000। आर को अब उसको छोटा कर दिया, 3 जीरो को हमने काट दिए तो 28 अपॉन 112 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 1/4%, उसको कन्वर्ट किया हमने डिसिबल में तो 0.25% हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।